सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ही वट सावित्री का व्रत किया जाता है। तो अभी हम आ चुके हैं वट के वृक्ष पे। यहाँ पे वट वृक्ष की पूजा की जाती है। हमारे घर के पास में ही एक पार्क पड़ता है, पार्क में ही ये वट वृक्ष है। काफी बड़ा और सुंदर सा वृक्ष ये है। और ये है मम्मी, मम्मी भी पूजा में बैठ चुकी हैं। सबसे पहले सभी साथियों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। पहला वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियादी फैमिली ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग तैयार होके आ चुके हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। यही हमारे घर के सामने ही एक पार्क है, वहाँ पे वट का पेड़ है और जगह भी काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे सभी महिलाएं पूजा कर रही हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है, इस वजह से हम थोड़ी देर वेट कर रहे हैं पूजा करने का। ये हमारी चाची जी, चाची देखो देखो। तो इस प्रकार से वट सावित्री का व्रत की जो पूजा विधि है, सबसे पहले वट वृक्ष की पूजा की गई। धूप दिया जलाने के बाद नैवेद्य चढ़ाया गया। तत्पश्चात सभी महिलाओं द्वारा यहाँ पे इस वृक्ष को कलावा यहाँ पे बांध रही हैं सभी महिलाएं। तो कलावा की डोर को सबसे पहले पेड़ पे बांध लिया गया है। फिर चारों तरफ से इस पेड़ की परिक्रमा 7 बार की जाती है। तो सभी महिलाएं यहाँ पे सुंदर सुंदर सी लग रही हैं और पेड़ की परिक्रमा यहाँ पे कर रही हैं। इस परिक्रमा को इसलिए किया जाता है, इस कलावे को बांधने का मतलब हुआ कि पति की लंबी उम्र हो और अच्छे स्वास्थ्य की आराधना करती हुई ये कलावा सभी महिलाओं द्वारा बांधा जाता है। और यहाँ पे चल रही है वट वृक्ष की पूजा और सामने बंदर बैठा हुआ है अपने बच्चे को लेके। वो भी पूरा पूजा विधि का आनंद ले रहा है यहाँ पर को बैठ के। आनंद तो क्या ही ले रहा है, इसको यहाँ पर से कुछ न कुछ खाने के लिए मिल जा रहा है, तो ये यहीं पे बैठा हुआ है। कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो। ओम जय जगदीश हरे। हम तीन लोगों का नंबर भी यहाँ पे आ चुका था पूजा करने के लिए। फिर हम सभी साथ में ही कथा सुनेंगे। तो हम लोगों की पूजा विधि भी यहाँ पे चली हुई है। पंडित जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वही पूजा करवा रहे हैं। बट सावित्री देवी, बट वृक्ष ध्यान करो। जी हमारा वो फेंक रहे उधर भी है। और महात्म महाजों और अक्षत निवेद जो अपन डोर में रखा उन प्रतिष्ठा करो। नमः आद्यार्थे जलम समर्पयामि। नमः जल चलाओ। हरि खड़े होकर कृपा दूर है उदय तुरुखा पादो शेहा भवत पुनः ततो विद्वं आरम। दो हाथ लगाओ, एक लोटा ले लो यहाँ से, कोई बात नहीं, पानी लोटा। कृपा दूर है उदय तुरुखा पादो शेहा भवत पुनः ततो विद्वं गगरावत्सा सनान सने अभी आज्ञियम जलम मा कृपा दूध उदय गुरु भव पादोषे हा भवत् नारतो विद्वं गकार सा सनान सने अभि हि कतो विहा दे दो सोना।
तुमने सीता को दीना जैसा सुहाग तुमने सीता को दीना हमारे हिंदू धर्म में वट सावित्री का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वट सावित्री का ही व्रत हम हिंदू महिलाओं द्वारा करना चाहिए और किया भी जाता है बहुत अच्छे से। बहुत विशेष महत्व इसका है। माना जाता है जो सावित्री मैया हैं वो अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस मांग के लाई थी आज के ही दिन। वट सावित्री की हमने कथा भी यहाँ पे सुनी और आरती भी हम लोगों ने गाई अम्बे मैया की और भोले शंकर की। तो बहुत अच्छा लगा पूजा करके। आज मेरा पहला व्रत है वट सावित्री का, तो इस वजह से मैंने सब कुछ पहना हुआ है पूरा सुहाग। और अब सभी लोग यहाँ पे एक एक करके सुहाग बांट रहे हैं। माना जाता है कि जितना हम लोग सुहाग बांटते हैं तो उतना ज़्यादा बढ़ता है। विधिवत सभी महिलाओं द्वारा यहाँ पे वट सावित्री की पूजा की गई, तो बहुत अच्छी पूजा हम लोगों की रही क्योंकि साथ में कोई भी चीज़ करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो कथा भी हमने यहाँ पे सुनी और आरती भी हमने गाई और एक दो भजन भी हमने गाए। और पता है ख़ास बात ये है कि सभी आज दुल्हनें बनी हुई हैं। कितनी प्यारी सभी लग रही हैं, पूरी ज्वेलरी सेट पहन के मजा आ गया। बहुत अच्छी लग रही है सब। तो बोलिए वट सावित्री मैया की जय। पूरा पूजा में इन्होंने हमारा साथ दिया था। यहाँ पे पेड़ में लटक लटक के देख रहे थे यहाँ पे कैसे लगा हुआ है वो तो पूजा करने के बाद हम सभी आ चुके हैं अपने घर की तरफ। यहाँ पे सामने हम लोगों का घर है और यहीं पे ही पार्क भी था, ज़्यादा दूर नहीं था, 8-10 कदम लगभग। तो घर पे आने के बाद मम्मी ने यहाँ पे माला वगैरह सुहाग मुझे बांट दिया है। मम्मी मैं बैठे हैं चाची के रूम पे। तो ये है हमारा टोनी को मेहंदी लगाई हुई है, उसका मुंह पूरा लाल लाल बना रखा चाची ने। कल चाची अपने सर में मेहंदी कर रही होंगी तो कटोरे में ये गिर गया और पूरी इसको मेहंदी लग गई ये लाल हो गया। हम सभी मेहंदी लगा रहे थे तो ये क्यों ना मेहंदी लगाता है ना। वो देख ही रह गया, बिल्कुल कंफ्यूज हो गया कहाँ से आए ये सब करके। और चाची ने बना दी है गर्मा गर्म चाय, चाय का आनंद लेते हैं अब। तो अभी बज गए हैं दिन के 2 और हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा भजन भी गाए। भजन में अलग से डालूंगी। अब मम्मी ने यहाँ पे थोड़ा सा डांस कर रही हैं।
आप सभी को कैसा लगा जरूर बताइएगा। पुनः आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। और मेरा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा जरूर बताइएगा। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मेरे चैनल को करिएगा। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, पहला।